चलो अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे फिर से। अभी हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे आप? हाँ, अभी तो कोचिंग क्लासेस जो है वो चला रहा हूँ मैं। अब आपको क्या करना है वो आप बोल रहे हैं, पर मुझे ये बताओ कि क्या आपको प्रॉब्लम है कि आप कुछ नया करना चाहते हैं ना, पहले वो क्लियर करो। नया यानी करना चाह रहा प्रॉब्लम हूँ कुछ नहीं है, अभी कुछ। बराबर है? हाँ, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन अभी क्या लॉकडाउन के हिसाब से आपको पता है कि कोई बच्चे आ नहीं रहे। हाँ पर हाउ टू अंडरस्टैंड अ पर्सन, आई एम टेकिंग हिम टू टेल, अब एवरी वन गेटिंग इट? हाँ, तो कल्पेश जी हैज कम, है ना, जैसे कि समझो या कंसल्टेशन के लिए मैंने उनका हाँ नाम से उनका ग्रिड बनाया। अब मैं ये पूछ रहा हूँ उनको कि क्या उनको प्रॉब्लम सॉल्व करना है कि उनको ग्रोथ की बात करनी है, बिजनेस की बात करनी है। तो ही हैज टोल्ड कि ही हैज, उनको ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करना है उनका, एंड ओवरऑल ही इज ओके, बट बिकॉज ऑफ कोविड एंड ही इज फेसिंग अ सिचुएशन कि हैज चिल्ड्रेन आर नॉट एबल टू कम टू वॉट एवर कोचिंग ही वॉज टेकिंग। वो जो कोचिंग ले रहे थे क्योंकि अब लोग आ नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए उनको कोई बिजनेस ऐसा ऐड करना है ताकि वो अपनी लाइफ चला सके, है ना। बाकी उनको लाइफ में इश्यू नहीं है, ही हैज इनफ, है ना, बट स्टिल पीपल नीड टू कीप ऑन वर्किंग, यू कैन नॉट सिट आइडल, समझ रहे हैं आप? तो ये या करना चाहते हैं कोई छोटा सा बिजनेस या समथिंग। हाँ अब आगे ग्रोथ। बताइए। हाँ, तो ग्रोथ के लिए ही बस मुझे करना था। कौन सा बिजनेस लेना चाहिए, जैसे हाँ, तो स्क्रैप का अभी यहाँ बिजनेस पे ले लूँ। कौन सा हाँ बिजनेस लेना चाहिए, मैं नॉर्मली हम लोग क्या क्वेश्चन पूछते हैं कि आप में स्किल क्या है कि आप पर्टिकुलर कोई बिजनेस कर पाओ, आप समझ रहे हैं बात को? तो वो स्किल के हिसाब से आप कोई बिजनेस कर पाएंगे, क्योंकि आपको मैं सबको बता दूं या आप सब लोग लिख लो ये पॉइंट को कि न्यूमरोलॉजी से या एस्ट्रोलॉजी से पिन पॉइंट करना कोई आज के तारीख के बिजनेस को, है ना, विच 50 इयर्स 100 इयर्स बैक देर आर ओनली 4 टाइप्स ऑफ बिजनेस, नाउ देर आर मोर देन 40,000 टाइप्स ऑफ बिजनेस और 4 लाख टाइप्स ऑफ बिजनेस। आर यू गेटिंग इट? आप सब यस लोग एग्री यस सर, करेंगे इस यस बात को? यस तो यस इसलिए कोई एक हाँ पर्टिकुलर पॉइंट को पॉइंट आउट करना कि यही बिजनेस आप करो डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? कि जैसे आपको मालूम है, हमने एग्जांपल्स दिया कि एक एमबीबीएस डॉक्टर भी 1 to 9 नंबर का हो सकता है, और वो अपने नंबर के हिसाब से अगर अपना काम करेगा तो वो कोई भी फील्ड में काम कर सकता है। उसी तरह से एनी बिजनेस स्किल्स दैट यू हैव, अगर आप उस स्किल्स को स्टार्ट करके कोई भी बिजनेस, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो, यहाँ पे आप अपना बर्थ डेट नंबर, डेस्टिनी नंबर, नेम नंबर, जो नया लिया अगर वो ज़्यादा एक्टिवेट नहीं हुआ है तो समझो मोटा मोटा जो जुना था जो भी था, या नया ही पकड़ के चलो जो आपने 5 पे लाया है और आपने उसको अच्छी तरह से एक्टिवेट किया। एक्टिवेट यानी कि अब आपको रोज लिखना है ना, वही नाम बार बार आपको यूज़ करना है ताकि वो बेसिकली हम बोलते हैं एक्टिवेट हुआ। तो उस केस में ये तीनों नंबर को लेके आपको ये समझना है कि कौन सा आप इजीली उसकी एनर्जी को आपके काम में डाल सको, ताकि जो काम आप शुरू करना चाहते हैं उसमें वो एनर्जी ब्लेंड हो। आपको समझ में आया क्या मैंने बताया वो? फॉर एग्जाम्पल सर, फॉर एग्जाम्पल आप काम बोलो कि कौन सी स्किल है और आप कौन सा काम करेंगे। आप हमको मत पूछो कि ये काम करना है, आप बताओ कि ये स्किल है और मैं ये काम करना चाहता हूं, तो मैं आपको बताऊं कि कौन से नंबर से उस काम की एनर्जी को ऐड करने पे वो काम आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। समझ गए जैसे बात मुझे को? मेटल में इंटरेस्ट है सर, अभी मेटल 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 का यानी कि क्या बिजनेस, करेंगे आप मेटल का, बताओ। ब्रास का या आयरन का स्क्रैप बिजनेस, ब्रास का स्क्रैप स्क्रैप बिजनेस। बिजनेस, आयन का, ब्रास का करेंगे आप, बराबर है? तो उसके लिए आपको ग्रिड हाँ, में कौन से नंबर एक्टिवेट करने चाहिए? आठ आठ नंबर सर। तो यहाँ पे आपको 8 नंबर यूज करना पड़ेगा। 8 नंबर आपके ग्रिड में यस सर है। है बराबर है? तो इसका मतलब कि आपका अब यहाँ पे ना बर्थ डेट, ना नेम नंबर, ना डेस्टिनी नंबर, आपके ग्रिड का आया हुआ एक 8 नंबर को आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आप जो बिजनेस चूज कर रहे हैं वो उसके रिलेटेड है, बराबर है? अब उसमें आप अगर देखेंगे तो अलग अलग मेटल्स को भी हम अलग अलग, है ना, प्लैनेट से जोड़ते हैं, क्योंकि आयन के लिए तो सैटर्न आएगा, है ना, तो अपना कॉपर है वो मार्स के लिए आएगा, गोल्ड है वो जुपिटर के लिए आएगा, सिल्वर है वो मून के लिए आएगा, बरोबर है? फिर और प्लैनेट के लिए मेटल्स में क्या आएगा, डायमंड या ऐसी कोई चीज़ होगी, है ना, या शाइनिंग या कोई अच्छी क्वालिटी या ब्रांडेड चीज़ होगी तो वीनस में चली जाएगी, इनेस पे जाएगी। है ना। राहु यानी कि स्क्रैप, और स्क्रैप में भी एकदम कचरा, तो राहु में चला जाएगा, है ना।
केतु के लिए कैसे करेंगे स्क्रैप में या ऐसा कुछ, कोई भी डबल चीज डबल आइटम है ना, जहाँ पे मल्टीपल मल्टीपल कोई मिक्स चीज है पकड़ लो, एक सिंगल आइटम नहीं मिक्स आइटम, तो ब्रास को भी आप इसमें सन में पकड़ सकते हैं। कॉपर ब्रास इज पीतल ना सर? हाँ पीतल पीतल, हाँ, तो पीतल। शाइनिंग है, येलोइश है थोड़ा। हाँ तो सर पीतल शायद सन में ही जाएगा सर। हाँ इसके लिए है ना, तो इसके शाइनिंग है येलोइश है, तो इसके लिए उसको सन में पकड़ते हैं अलोंग विथ कॉपर ऑल्सो है ना। कॉपर मार्स में भी जाता है, तो कभी कभी कोई कोई लोग सन में भी कॉपर को पकड़ते हैं अगर एस्ट्रोलॉजी में जाएंगे तो, बराबर। तो अब यहाँ पे आपकी दो चीजें आ गई, एक तो आठ नंबर आ गया और एक एक नंबर आ गया, यानी कि ऐसे देखने जाएंगे तो एंटी नंबर है, बराबर है। लेकिन आपके चार्ट में अगर दोनों नंबर है और आपको लगता है कि उसकी रिक्वायर्ड जो बिजनेस स्किल चाहिए उस स्क्रैप के बिजनेस को करने के लिए अगर वो आप में है, और क्योंकि आपके ग्रिड में दोनों भी नंबर है, आप वो कर सकते हैं। नहीं स्किल नहीं है सर अभी तो, मेरा फ्रेंड जो है वो बोल रहा है उसका स्क्रैप का बिजनेस है और हाँ, लेकिन तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, भी है अभी आपको क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। तो आप क्या करो कि उसके बिजनेस में जुड़ जाओ एक दो तीन महीने या छह महीने, जो एक नॉर्मल बिजनेस को समझने के लिए चाहिए, उसके अंडर काम करो फ्री में, या जो पगार देता है उसमें, या बिना पगार के, या आपको उसको पैसे देने पड़े सीखने के लिए। आर यू गेटिंग इट? ओके है ना, आइदर यू हैव टू पे मनी और ही में एज, क्योंकि आप काम करेंगे तो वो आपको पे करेगा, या फिर फ्री में करना पड़ेगा क्योंकि आपको सीखना है ना आगे जाके बिजनेस करने के लिए। Either you invest time, or you invest money and time, or you may get paid if you work under someone as a person. And so any of that, whatever suits you, you need to do so that you acquire the right skill. Okay. And क्योंकि वो skill आने पे फिर आप काम करेंगे तो chances है कि आप loss या आप problem create ना करो आपके life में। आप समझ रहे हैं? तो brass का business हो, हाँ brass या कोई भी बिजनेस कल्पेश जी आप कर सकते हैं, आप नहीं मैं भी कर सकता हूँ, प्रोवाइडेड क्या मुझे वो पसंद है, एक चीज क्या मैं पैशनेट हूँ वो धंधे को लेके। मालूम पड़ा कि है ना मुझे कहीं ना कहीं ये फील होगा कि मैं स्क्रैप का बिजनेस कर रहा हूँ तो लोग क्या कहेंगे, तो आप कितनी भी स्किल एक्वायर कर लो आप नहीं कर पाएंगे। आप समझ रहे हैं, आप इनसाइड एंड आउटसाइड यू मस्ट बी रेडी, देन नो बिजनेस इज नेगेटिव एंड नो बिजनेस, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है कि आपको वो पैसे नहीं दे के जाएगा। आप में वो पैशन होना चाहिए उस बिजनेस को लेके। अगर आप गिल्टी फील करेंगे, आपको लगेगा कि आज तक तो मैंने पढ़ाने का काम किया और अब कहाँ पढ़ाने से लेके अब मैं सीधा ये बिजनेस करूँगा, तो गई भैंस पानी में, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके ओके, तो ये माइंडसेट आपको क्लियर करना है कि कल ये बिजनेस करने में जाऊँ तो लोग बने दुनिया गई भाड़ में, आई एम पैशनेट आई विल डू इट। ओके ओके है ना। Sorry, तो ये स्किल सेट माइंडसेट रख के अगर आप जो स्किल एक्वायर करेंगे आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, जो आपकी ग्रिड ना बोलती हो या हाँ बोलती हो। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस सीखने के बाद आपको फिर जाके न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी देखनी है, उसके बेसिस पे उस बिजनेस को आपको उस तरह से चलाना है। समझ गए अभी आप? ओके आप समझ गए, यानी कि अगर आपके चार्ट में पांच नंबर ज्यादा स्ट्रांग या अच्छा है तो आपको अच्छा बिजनेसमैन बनना पड़ेगा उस लाइन को लेके। समझ गए? अगर छह नंबर अच्छा है आपके इसमें तो वो स्क्रैप के धंधे में भी आपको क्या करना पड़ेगा कि जो मटेरियल आप उठाएंगे वो ब्रांडेड बड़े बड़े कंपनीज का उठाएंगे। समझ रहे हैं आप? और अगर आपका आठ नंबर ये है छह नंबर नहीं है तो आप कोई किसी से भी कहीं से भी माल उठा सकते हैं। सर आठ नंबर है मेरा, छह नहीं है मेरे में। हाँ तो मैं आपको अलग अलग सिनेरियो दे रहा हूं कि कोई भी बिजनेस में आप अपने नंबर्स को कैसे यूज करना है। आप समझ रहे हैं बात को? यानी कि आपको पहले पैशनेट होना है कौन सा बिजनेस करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा बिजनेस मेरे लिए बेस्ट है। क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं कि नहीं आप ये बिजनेस करो तो आपको मालूम है आपका आंसर क्या आएगा, अरे लेकिन सर ये बिजनेस में तो ऐसा है वैसा है, बरोबर। फिर आप मैं आपको दूसरा रिकमेंड करूंगा, फिर आप बोलेंगे लेकिन सर ये तो मुझे नहीं पसंद है नहीं करना चाहता हूँ ना, फिर मैं तो ऐसा तो क्या होगा कि मैं आपको बोलते जाऊंगा आप उसको डिनाई। इससे बेटर
आपकी स्किल्स क्या है, या आपका क्या पैशन है, या आप क्या करना चाहते हैं, उसको एक्वायर करो, उसको सीखो, उसको स्टार्ट करो, और फिर आप अपनी ग्रिड को देखो, आपके चार्ट को देखो कि कौन सा प्लेनेट अच्छा है, उसकी क्वालिटीज को अपना के उस बिजनेस को चलाओ। आर यू गेटिंग इट? या श्योर, आप समझिए। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। एक मिनट, हाँ, कौन बोल रहे हैं? संदीप भैया। हाँ बोलिए। वन क्वेश्चन, हाउ डू यू गेट टू नो व्हिच इज द बेस्ट इन योर, मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि वो नंबर आपके चार्ट में बेस्ट है? सी, एक तो आपका बर्थ नंबर, ओके, क्योंकि वो तो आपका बर्थ नंबर ही है ना, वो तो कहीं नहीं जाएगा। यस। दूसरा आपका डेस्टिनी नंबर, ओके, है ना। तीसरा आपका नेम नंबर। ये तीन नंबर को न्यूमरोलॉजी ही अगर आप यूज कर रहे हैं और एस्ट्रोलॉजी या कुछ नहीं यूज कर रहे हैं, तो ये तीन नंबर में देखना है कि कौन सा अच्छा नंबर है, स्ट्रांग नंबर है, जिसकी स्किल्स आप ऐड करने से ये बिजनेस में आपको बेनिफिट मिलेगा। बराबर है। अब इनके केस में क्या है, चलो वापिस से जाते हैं, हम इनके नंबर को लेते हैं, है ना सर। आपने बस मून के लिए क्या बताया था, कौन सा मेटल? सिल्वर, है ना। अब यहाँ पे हम फिर से आते हैं, तो ई हैज नंबर टू, नंबर थ्री, है ना, क्वा को छोड़ दो तो टू और थ्री है, ठीक है। और इनका नेम नंबर किधर इन्होंने ले लिया, पांच पे, तो टू थ्री एंड फाइव, ठीक है। अब इनका ग्रिड पे देखते हैं, टू थ्री एंड फाइव नहीं है, वो इन्होंने एक्वायर किया। अब टू को लेके, है ना, क्योंकि ब्रास का बिजनेस है तो कोई ज़्यादा काम आने वाला नहीं है, और वैसे भी ट्यू डाइल्यूट हो रहा है ना, ऑलरेडी तीन बार है, और प्लस ना, है ना, बर्थ नंबर से भी आ रहा है, तो टू को तो छोड़ दो, है ना, वो उनके बिजनेस में काम नहीं, क्योंकि इमोशनल है ना, उनको अपना ड्रामा या पिक्चर में जाना नहीं है, तो ये बिजनेस के लिए टू का क्वालिटीज अपना के कोई फायदा नहीं है। बरोबर है। तो इनका बर्थ नंबर यहाँ पे काम का नहीं है। अब तीन नंबर है ना, तो तीन नंबर क्या कि नॉलेज, तो इनको वो एक्वायर करना है अभी पहले नॉलेज को, और फिर ये क्या कर सकते हैं, उस नॉलेज का यूज करके जब भी ये स्क्रैप कहीं से उठाएंगे करेंगे, तो थोड़ा उनको स्टडी करना है। नॉलेज का मतलब क्या, तीन नंबर का मतलब क्या, स्टडी, यानी ऐसे ही ऐसे आंख बंद करके नहीं उठाएंगे, उस पर थोड़ा ध्यान देंगे, स्टडी करेंगे। तो क्या किया उन्होंने, अपने तीन नंबर का यूज किया, यानी अपने चार्ट के अंदर के तीन नंबर का यूज किया, कि उस स्क्रैप को स्टडी किया कि वाकई में वो स्क्रैप से वो अच्छा पैसा बनाएंगे, कि वो स्क्रैप वाकई में कचरा स्क्रैप है। आप समझ रहे हैं, है ना। तो स्टडी करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे आपने क्या किया कि आपके डेस्टिनी नंबर को जो ऑलरेडी ग्रिड में, उसको यूज किया। अब दूसरा आपके ग्रिड में क्या है, पांच नंबर आपने एक्टिवेट किया आपके नेम से, तो आपको आपके बिजनेस का स्ट्रांग बिजनेसमैन बनना है। पांच नंबर यानी क्या, बॉर्न बिजनेसमैन, है ना। पर आप बॉर्न बिजनेसमैन नहीं है, यू आर अ बॉर्न कोच, है ना, इसलिए आपने तीन नंबर की एक्टिविटी अब तक की है। अब आपने पांच नंबर अभी चेंज किया है, यानी कि आपको अभी वो बॉर्न बिजनेसमैन वाली क्वालिटी को अपनाना पड़ेगा धीरे 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 धीरे। इसके लिए आप और एक चीज क्या कर सकते हैं, और कौन बताएगा एक रेमेडी यहाँ पे पिक्चर को लेके, कौन रेमेडी बताएगा पांच नंबर की बिजनेसमैन बनने के लिए? गुरु अभिषेक बच्चन का, अभिषेक का, है ना, कि कैसे बिजनेसमैन का वो उन्होंने पूरा वो जो एक बनाया पूरा पिक्चर, थोड़ा एक लेवल पे काम आएगा कि वो अगर आप देखेंगे एज अ रेमेडी पार्ट, यू विल अंडरस्टैंड अ बॉर्न बिजनेसमैन हाउ, है ना, ही एक्ट्स एंड मूव्स एंड मूव्स एंड मूव्स एंड गोज फॉरवर्ड। आप समझे। और ऐसे ही रिलेटेड जो भी और एक दो पिक्चर होंगे, एक आइडिया के लिए, है ना, कि एक तगड़ा बिजनेसमैन कैसे बनना है, तब आपकी जाके पांच नंबर की क्वालिटी आपने बिजनेस में ऐड की, और फिर आपका ग्रिड एक्टिवेट होगा, और फिर आप स्क्रैप का बिजनेस क्या या कोई भी बिजनेस आप कर पाएंगे। समझ गए अभी आप। अगर पैशन है तभी ऐसा कोई बिजनेस सोचना, वरना है ना क्या होगा, अब जाएंगे दो पांच छः महीने गवाएंगे, और तब तक ये कोविड निकल गया, सारे चीज़ चालू हो जाएंगे, फिर आप आधा छोड़ के फिर से अपने काम में आ जाएंगे। तो उससे बेटर है कि वो इन्वेस्टमेंट टाइम है ना, वो सब करने से बेहतर है जिस लाइन में है आप उस लाइन में नहीं तो आगे बढ़ो। अगर वही आपका कप ऑफ टी है, समझो बात को, तो वो आपको पहचानना पड़ेगा आपका कप ऑफ टी क्या है।